हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं जामिल कंपनी का कूल लाइन पैकेज एयर कंडीशनिंग है, इसका वायरिंग डायग्राम के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, इसका देख सकते हो ये मेन इनकमर है, ये हमारा पीसीबी बोर्ड है जो इसको पूरा ऑपरेट करता है, ये हमारा यूबीएम हो गया, ये इसका ट्रांसफार्मर हो गया, ये ब्लोअर मोटर कॉन्ट्रेक्टर हो गया, और ये हमारा दो टाइमर लगा है जो कंप्रेसर का हावर काउंटिंग करता है, कितना घंटा हमारा कंप्रेसर कौन सा कंप्रेसर कितना घंटा चला है, एक टाइमर दोनों काउंटिंग करता है। ये हमारा कंडेंसर मोटर कॉन्ट्रेक्टर हो गया, और ये हमारा एलबी टीवी है जिसमें से थर्मोस्टेट का केबल कनेक्ट होता है यहाँ पे। तो कंट्रोल के लिए क्या किया है वो लोग, एक L1 से यहाँ से एक फेस लिया कंट्रोल के लिए। न्यूट्रल देखिए यहाँ पे, न्यूट्रल हमारा हर एक चीज़ को डायरेक्ट न्यूट्रल लूपिंग करके दे दिया है लोग, तो हम लोग फेस को समझते हैं। तो फेस के लिए क्या किया, यहाँ से एक L1 से एक फेस लिया, वो फेस पावर हमारा कहाँ पे आता है, 8 TB में आता है, यहाँ पे देख सकते होंगे यहाँ पे आएगा। कोई कोई पैकेज एयर कंडीशनिंग में क्या है कि इस टाइप का यू बैंड बांट दिया है, सीधा लेकर आया यहाँ पे जंपर मार के वापस लेकर चला गया। लेकिन किसी किसी पैकेज एयर कंडीशनिंग में क्या किया है कि यहीं से फायर के कंट्रोल के लिए ले लिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे कि ये दो केबल है, ये फायर का केबल है, इसमें से इसका मतलब है कि यहाँ से जो हमारा पावर लेगा LVT हाई वोल्टेज टर्मिनल से, यहाँ से पावर लेगा सीधा हमारा लेकर आया यहाँ पे, और ये पावर सीधा हमारा कहाँ पे जाता है, उसमें स्मोक डिटेक्टर में जाएगा। स्मोक डिटेक्टर उधर चेक करता है कुछ स्मोक नहीं है, तो उसे वहाँ से हमको पावर आउटपुट मिलेगा, 1A नंबर से आउटपुट मिलेगा, और ये पावर सीधा हमारा कहाँ पे आता है, यूबीएम में आएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये यूबीएम में आएगा पावर सीधा। अब यहाँ पे यूबीएम का काम क्या होता है कि यूबीएम काम करता है 3 फेज को चेक करना। यहाँ पे 3 फेज चेक करेगा कि हमारे सिस्टम में 3 फेज अगर बराबर है तो यही जो पावर है यहाँ से हमको आउटपुट करेगा 1 नंबर का केबल से। तो ये 1 नंबर का केबल वो सीधा हमारा कहाँ पे आता है, पीसीबी बोर्ड में आएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि 1 नंबर का टैगिंग है, यहाँ पीसीबी बोर्ड में आएगा। अब ये पीसीबी बोर्ड का फ्यूज का इन में आएगा। अब यहाँ से अगर हमारा फ्यूज बराबर है तो यहाँ से आउटपुट मिलेगा, इसका फ्यूज के बराबर आउटपुट मिलेगा। और यही पावर देखिए, इसमें पीसीबी बोर्ड में भी 2 पार्ट है, एक में हाई साइड में हाई वोल्टेज घूमता है और एक साइड में लो वोल्टेज घूमता है। तो यहाँ से जब ये पावर आएगा तो पावर सीधा हमारा कहाँ पे जाता है, पहले ट्रांसफार्मर में जाएगा। अब ये ट्रांसफार्मर को फेस न्यूट्रल मिलेगा तो ये ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है, 220 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे कि ट्रांसफार्मर पे भी राइटिंग है, यहाँ पे देखिए 220 वोल्ट से 24 वोल्ट। तो ये यानी कि हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ से हमको 2 पावर आउटपुट करता है, एक 24 वोल्ट और एक 12 वोल्ट आउटपुट करता है। तो 12 वोल्ट जो आउटपुट करेगा वो हमारा पीसीबी बोर्ड काम करेगा, और 24 वोल्ट जो आउटपुट करता है उस पर हमारा थर्मोस्टेट काम करता है। तो अब यहाँ से अगर हमारा सब कुछ अगर ट्रांसफार्मर सही है तो यहाँ से हमको 2 पावर आउटपुट करेगा, 24 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो 24 वोल्ट सीधा हमारा कहाँ पे जाएगा, थर्मोस्टेट के लिए जाएगा, और 12 वोल्ट पे हमारा पीसीबी बोर्ड काम करने लगता है। तो ये 24 वोल्ट सीधा हमारा कहाँ गया, थर्मोस्टेट के लिए। तो थर्मोस्टेट का पावर देख सकते होंगे कि आप लोग यहाँ से इसका जाएगा RC, यहाँ पे दिखा है, यही है थर्मोस्टेट का जो मेन पावर। यहाँ से थर्मोस्टेट के लिए पावर जाएगा, मेन पावर है, थर्मोस्टेट हमारा ऑन हो जाएगा। वहाँ से हम लोग जैसे ही थर्मोस्टेट पे उसका पुश बटन है उसको ऑन करेंगे, वहाँ से हमको फर्स्ट एक पावर मिलेगा, जी पावर मिलता है। तो जी पावर देखिए इस केबल से हमको जी मिलेगा, और वो जी सीधा हमारा कहाँ पे आता है, सीधा हमारा देखिए यहाँ से जी आएगा ना, तो सीधा हमारा आएगा ब्लोअर मोटर का जो ओवरलोड है, ब्लोअर मोटर कॉन्ट्रेक्टर का ओवरलोड में। यहाँ पे देख सकते होंगे कि देखिए यहाँ पे G1 राइटिंग है, तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा जैसे कि यहाँ पे आएगा ओवरलोड में। अभी चेक करेगा कि हमारा जो ब्लोअर मोटर है कभी क्या होता है कि उसका बैरिंग चाहे बूस कुछ भी स्टक हो गया, उसी टाइम हमारा ब्लोअर मोटर हीट होगा और एम्पियर ज़्यादा पकड़ेगा, उसी टाइम उसका सेफ्टी के लिए ओवरलोड लगाया जाता है। तो अभी यहाँ से अगर ओवरलोड चेक करेगा, ट्रिप नहीं है, तो यहाँ से हमको पावर आउटपुट करेगा, वो सॉरी G1 नंबर से आउटपुट करेगा, और वो सीधा हमारा आएगा G1 नंबर से आउटपुट किया, सीधा हमारा आ जाता है पीसीबी बोर्ड में। अभी यहाँ तक पीसीबी बोर्ड में आएगा तो ये पावर यहाँ पे भी 24 वोल्ट रहता है। अब ये 24 वोल्ट सीधा जाके जो हमारा पीसीबी बोर्ड का ये रिले है इसका कॉइल वोल्ट पकड़ेगा, तो यहाँ से हमको एक पावर आउटपुट मिलेगा 14 नंबर का केबल, और वो सीधा हमारा जाएगा, यही हमारा देख सकते हैं ब्लोअर मोटर का कॉन्ट्रेक्टर का कॉइल वोल्ट का जो कमांड है, यहाँ से हमको पावर आउटपुट मिलेगा, वो सीधा हमारा आएगा ये जो ब्लोअर मोटर का कॉन्ट्रेक्टर है इसका कॉइल वोल्ट पकड़ेगा, और हमारा जो ब्लोअर मोटर है वो रनिंग में हो जाएगा।
अब हम लोग समझते हैं, इसमें देखिए दो कंप्रेसर है Y1 और Y2, तो एक ही हम लोग कंप्रेसर समझेंगे, दोनों अगर समझेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम लोग Y1 को समझेंगे। बस सेम जिस तरीके से Y1 का फंक्शन है उसी प्रकार Y2 का भी फंक्शन है। तो Y1 के लिए क्या करेगा, जब अगर वहाँ पे कमांड है तो हमको Y1 मिलेगा, वो Y1 सीधा हमारा कहाँ पे आता है, PCB बोर्ड में आएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे सीधा आएगा हमारा PCB बोर्ड में। अब ये PCB बोर्ड में देखिए, ये पावर तो 24 वोल्ट का आया, लेकिन जो हमारा HPLP में घूमता है वो 12 वोल्ट का घूमता है। तो ये Y1 आएगा सीधा हमारा यहाँ 24 वोल्ट, हम लोग यहाँ पे जब चेक करेंगे इस तरीके से तो हमको वहाँ पे 24 वोल्ट मिलना चाहिए। अभी ये अगर हम लोग इस पे चेक करेंगे तो उसी टाइम हमको 12 वोल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि HPLP में हमारा 12 वोल्ट है और थर्मोस्टेट के लिए 24 वोल्ट है। तो जब ये Y1 आएगा सीधा जाके इसमें से पावर चेंज होके 12 वोल्ट आता है, और वो 12 वोल्ट फर्स्ट जाएगा हमारा किस में, HP स्विच में जाएगा। HP स्विच बराबर है तो उसका आउटपुट मिलेगा, LP स्विच में जाएगा, LP स्विच अगर बराबर है तो उसका आउटपुट मिलेगा, सीधा बोर्ड में आएगा, और बोर्ड में आएगा तो बोर्ड का जाके उसका एक रिले है जो हमारा रिले का क्वाइल बोल्ट पकड़ेगा। तो जैसे ही रिले का क्वाइल बोल्ट पकड़ेगा उसी टाइम फर्स्ट क्या करेगा, सोलेनोइड वाल्व को कमांड देगा, पहले सोलेनोइड वाल्व को कमांड करेगा, उसके बाद हमारा क्या करेगा, ये कंप्रेसर के लिए कमांड करता है। जैसे हमारा सोलेनोइड वाल्व को कमांड देगा उसके कुछ सेकेंड के बाद हमारा क्या करेगा, कंप्रेसर के लिए कमांड करेगा। तो वे यहाँ से जो पावर निकलेगा 4A देख सकते होंगे कि 4A लिखा है और 3A लिखा है, ये एक नंबर कंप्रेसर का है, 4B और 3B लिखा है दो नंबर कंप्रेसर का है। तो जैसे 4A यहाँ से हमारा निकलेगा ये सोलेनोइड वाल्व के लिए जाएगा, और 3A जो है हमारा कंप्रेसर नंबर 1 का कॉइल बोल्ट है। तो जैसे यहाँ से 3A निकलेगा वो सीधा हमारा आएगा कंप्रेसर नंबर 1 है, यहाँ पे देख सकते होंगे कंप्रेसर नंबर 1 का कॉइल बोल्ट पकड़ेगा, आप लोग देख सकते होंगे कि 3A यहाँ पे आया। ओके, तो इस तरीके से हमारा कंप्रेसर नंबर 1 रनिंग में हो जाएगा। ओके, अब हमारा कंडेंसर मोटर का होता है, कंडेंसर मोटर के लिए भी पावर हमारा देख सकते होंगे कि जो ये PCB बोर्ड है, यहाँ PCB बोर्ड से देखता है कंडेंसर मोटर के लिए, आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पे लूपिंग है केबल। अगर एक नंबर स्टेज के लिए कमांड रहेगा तो भी उसको कंडेंसर मोटर के लिए पावर जाएगा, दो नंबर के लिए कमांड रहेगा तो भी हमारा कंडेंसर मोटर के लिए पावर जाएगा यहाँ से। ये दोनों जो रिले है एक कंडेंसर मोटर कॉन्टेक्टर के लिए यहाँ से पावर आउटपुट होता है। तो जिस टाइम हमारा कमांड आएगा, जैसे इसका रिले जैसे सोलेनोइड वाल्व कनेक्ट होता है उसके तुरंत बाद हमारा क्या होता है, फर्स्ट कंडेंसर मोटर ऑन होता है, उसके बाद तुरंत हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है। इसमें जामिल कुल में ऐसा है, फर्स्ट कंडेंसर मोटर स्टार्ट होगा उसके बाद हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से इसका वायरिंग डायग्राम है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।